हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एल आर नाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है बार के स्किल टेस्ट 2024 फिटर ट्रेड का लास्ट डे, मतलब 2024 का जो बार के स्किल टेस्ट था फिटर ट्रेड का लास्ट डे, मतलब 17 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट जो लास्ट डे लास्ट शिफ्ट का पेपर था, उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिले थे, 100 मार्क का पेपर था जो कॉमन था। उसके बाद जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यही डायग्राम आया था लास्ट डे के पेपर में। और इसका जो साइज़ वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, रॉ मटेरियल का साइज़ था 60 मिलीमीटर लंबाई, 5 मिलीमीटर थिकनेस और 40 मिलीमीटर इसकी हाइट। ये साइज़ पहले दिन से लास्ट दिन तक चेंज नहीं हुआ है, सेम साइज़ के ऊपर ही पूरा जॉब आपको दिया गया था। और जो आपका टॉलरेंस भी चेंज नहीं हुआ था, प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। और जॉब के ऊपर ऑपरेशन कौन से थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल सा ऑपरेशन है। एक कॉर्नर में आपको 15 R15 का रेडियस करना था, इंटरनल रेडियस, और उसके दूसरे साइड में आपको इस तरह से एक 20 में से एक मटेरियल को कट करके बाहर निकालना था 20x15 का। तो इसको किस तरह से आपको करना था टोटली, आपको मतलब जो भी वीडियो देखेंगे उसके आसानी हो जाएगी। इसके लिए हम आपको पूरे डिटेल में आपको सॉल्व करके देते हैं कि ये जो जॉब आया था इसको आपको कौन से मेथड से करना था, कौन सा फाइल आपको कौन से जगह पर यूज़ करना था, ऑपरेशन के अनुसार फाइल का सिलेक्शन कैसे करते, सब डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो मान लीजिए, जैसे सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होता है बेसिक स्टेप फिटर ट्रेड के फ्लैट वाले जॉब के ऊपर, जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है, सबसे पहले आपको जो रॉ मटेरियल फाइनल साइज होता है, जैसे 60 और 40 फाइनल है लंबाई और हाइट, तो इससे आपको 5 5 मिलीमीटर प्लस में रॉ मटेरियल दिया जाता है। तो उसे आपको कब कट करना है वो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को लास्ट में करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और जॉब को बनाने के पहले भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा ऑपरेशन नहीं तो आपको टाइम मिल जाएगा, तो इसको आप जॉब बनने के बाद भी कट कर सकते हो। इसके बाद का जो स्टेप आता है, जैसे आप जॉब बनाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जॉब को बेंच वाइज में सेट करके आपको चारों साइड 90 डिग्री में बनाना होता है। तो चारों साइड 90 डिग्री बनाते समय सबसे पहले जो हाइट वाला दो साइड होता है, दोनों साइड ऑलरेडी 90 डिग्री में होता है, सिर्फ उसको आपको बेंच वाइज में सेट करके आपको ड्रॉ फाइलिंग करना है बास्टर्ड फाइल के सहायता से। ड्रॉ फाइलिंग करके ब्लैकनेस कट आओगे तो ऑटोमेटिकली होगा 90 डिग्री में बन जाता है। और ध्यान में रखिए कि जब आप बेंच वाइज में जॉब को सेट करोगे तो जॉब की इस तरह से सेट करो कि जब आप ट्राई स्क्वायर से जॉब की 90 डिग्री चेक करोगे तो उसमें जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। इससे क्या होता है कि आपकी टाइम की बचत होती है। तो इसके बाद जैसे सबसे पहले हमने दो साइड 90 डिग्री बना लिया, उसके बाद दो साइड जो लंबाई वाला साइड होता है कटा हुआ साइड, उसे हमें 90 डिग्री बनाना होता है फाइलिंग करके। तो दो साइड सबसे पहले जो हमने ड्रॉ फाइलिंग करके 90 डिग्री बनाया उसको रेफरेंस पकड़ के बाकी के दोनों साइड को बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको 90 डिग्री बनाना है, और कंटिन्यू ट्राई स्क्वायर के सहायता से चेक करते जाना है कि जॉब आपका 90 डिग्री में बना है या नहीं। उसके बाद जॉब आपका 90 डिग्री में बनने के बाद का जो स्टेप आता है, आपका जॉब का एक सरफेस आपको क्लीन करना है। जॉब का एक सरफेस क्लीन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करके मार्किंग करना है। तो इस तरह से आपको बास्टर्ड फाइल के सहायता से हल्का आपको क्लीन कर लेना है सरफेस वन साइड। उसके बाद आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद आपको करना होता है, मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपको मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करते समय हाइट गेज के सहायता से हम मार्किंग करेंगे। तो मान लीजिए, जैसे हम इसके पूरा मार्किंग मेथड भी आपको बताएंगे, कटिंग प्रोसेस फाइलिंग सब डिटेल में बताएंगे। तो हमें हाइट गेज के सहायता से हमें अगर मार्किंग करना है इस जॉब का, तो उस समय आपको क्या करना है, जैसे जो जॉब आपका जिस पोजिशन में है, मतलब 40 वाला हाइट वाला साइड आपको इस पोजिशन में सरफेस प्लेट के ऊपर रखना है। उसके बाद एंगल प्लेट के सहायता से सहारा देकर आपको इस तरह से जॉब को वर्टिकल पोजीशन में सेट करना है। उसके बाद का जो स्टेप आता है आपका वर्नियर हाइट गेज में, आपको सबसे पहले 15 मिलीमीटर माप सेट करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद 45 मिलीमीटर माप सेट, 45 नहीं मतलब जो हाइट है 40 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर माप सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल। उसके बाद लास्ट में 40 मिलीमीटर माप लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। तो इस तरह से आपका हाइट वाले साइड से आपकी मार्किंग हो जाती है। उसके बाद जो आपको पलटा का इस तरह से, मान लीजिए ये वाला जो साइड है इसे हम बेस नीचे की तरफ अगर रखते हैं, तो उसके बाद का जो स्टेप आपको मार्किंग करना है, तो सबसे पहले आप 15 का एक लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे 15x15 इस तरह से 15 का लाइन ड्रॉ कर लोगे हॉरिजॉन्टल। उसके बाद 15 और ये जो 20 मिलीमीटर, 15 के बाद 20 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद 40 मिलीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और लास्ट में एक 60 मिलीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। तो इस तरह से आपकी पूरी मार्किंग हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो हमने हाइट गेज के सहायता से करना था। तो उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि जो जॉब की आपको जो डायग्राम है, डायग्राम के अनुसार जो शेप आपको मार्किंग करना है, तो हमने तो सबसे पहले हाइट गेज और हाइट गेज के सहायता से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद जॉब के आकार के अनुसार आपको जोड़ना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डायग्राम को सामने रखना है। उसके बाद जो आपको ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर के ऊपर हल्का पंचिंग करना है डॉट पंच की सहायता से।
उसके बाद डिवाइडर में 15 माप सेट करके आपको इस तरह से एक दोनों लाइन को इस तरह से जोड़ना है, तो आपका ऑटोमेटिकली रेडियस बन जाएगा, मतलब दोनों साइड को आपको इस तरह से जोड़ना है, तो यहाँ पर आपका इंटरनल रेडियस बन जाएगा। ध्यान में रखिए ये जो इंटरनल रेडियस की मार्किंग आपको यहाँ पर डिवाइडर रखकर बाकी इंटरनल रेडियस आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद पेंसिल के सहायता से आपको क्या करना है, जो आपको जॉब स्क्रीन पर जो डार्क लाइन में जो जॉब का शेप दिखाई दे रहा है, इसी शेप को आपको पेंसिल के सहायता से जॉब के ऊपर इस तरह से डार्क करना है, जो आपको हमने जो मार्किंग किया है हेड गेज के सहायता से। उसके बाद आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस तरह से पेंसिल के सहायता से जॉब का शेप बना लेना है। उसके बाद जो शेप आप बना लोगे जॉब के ऊपर, उसके बाद जॉब के डायग्राम के साथ आपको कंपेयर करके एक बार चेक करना है कि प्रॉपरली हमारा बना है या नहीं। एक बार कंफर्मेशन होने के बाद आपको आपका प्रोसेस आता है पंचिंग का। पंचिंग करते समय आपको डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का यूज करना है, जो आपको एनविल के ऊपर रखकर जो आपने लाइन डार्क किया है पेंसिल के सहायता से जो आपके शेप का, उसी शेप के ऊपर आपको पंचिंग करना है, लाइट पंचिंग करना है, ताकि बाद में आपको फाइलिंग करके मिटाने की आवश्यकता पड़े तो भी जल्दी मिट जाए। तो यहाँ पर आपका पूरा पंचिंग हो जाएगा जो हमारा जॉब का शेप है उसके ऊपर। उसके बाद का प्रोसेस आता है एक्सिस मेटल को आपको कट करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम इस वाले कॉर्नर को अगर हम हेक्सा की सहायता से कट करते हैं, तो एक्सा की सहायता से कट करते समय जॉब को प्रॉपरली जॉब का जो एंगल में आप कट करोगे उस एंगल के हिसाब से आपको जॉब को सेट करना है बेंच वाइज के ऊपर। उसके बाद हेक्सा का सिलेक्शन करना है। हेक्सा का सिलेक्शन करने के बाद बुलेट को फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाना है। उसके बाद मान लीजिए ये जो कॉर्नर हमें कट करना है, तो ये जो मार्किंग लाइन है इसको डायरेक्टली इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर कट कर दोगे तो बीच वाला मटेरियल निकल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ये जो पहला है इस तरह से वी शेप, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर से यहाँ पे भी इस तरह से ये दूसरे साइड से यहाँ पे वी शेप कट करोगे तो बीच में मटेरियल निकल जाएगा, साइड में दो साइड में थोड़ा मटेरियल बचा रहता है, तो वहाँ पर आप हाफ राउंड या फिर राउंड फाइल के सहायता से भी फाइलिंग करके यहाँ पर निकाल सकते हो मटेरियल। उसके बाद जो बैक साइड का जो आपका जो ये जो आपको सी शेप में आपका मटेरियल निकालना था, इसे भी आपको कॉर्नर टू कॉर्नर सबसे पहले कट कर लेना है। उसके बाद ये बीच में से एक वी मटेरियल निकल जाएगा वी शेप का, उसके बाद बीच में और एक वी शेप मटेरियल बचा रहता है, उसके वो कैसे कट करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में सेट करके जो आपको जो टोटल लंबाई है 20 मिलीमीटर उसको वर्टिकल पोजीशन में एक कट के साइड में दूसरा कट लगाते हुए पूरा पहले कट कर लेना है, कट लगा लेना है। उसके बाद थोड़ा एक्सा को एंगल में सेट करके कट लगाओगे तो पूरा मटेरियल बीच में का निकल जाता है, तो इस तरह से आपका पूरा एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद आपको फाइल का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले बास्टर्ड फाइल का सिलेक्शन करके आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है पंचिंग तक आपको फाइलिंग करना है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें, जब आप कटिंग करोगे तो कटिंग करते समय ध्यान में रखें पंचिंग लाइन के आउटलाइन से कट करना है, और कटिंग होने के बाद पंचिंग आपको दिखाई देना है, ताकि आपका पंचिंग, इससे क्या होगा कि आपका जो पंचिंग हमें क्या करता है, पंचिंग हमें गाइड करता है कि जॉब का आपका डायमेंशन यहाँ तक फाइनल है, तो उस समय ध्यान में रखें कि कटिंग होने के बाद भी पंचिंग आपका दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से पूरा मटेरियल हमने एक्सेस मटेरियल को कट कर लिया। उसके बाद बास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके सबसे पहले पंचिंग तक मिला लेना है। इस बीच में आपको अगर फ्लैट फाइल नहीं बैठ रहा है बड़ा साइज 300 मिलीमीटर का, तो आपको एक स्क्वायर फाइल या फिर ट्रायंगुलर फाइल का यूज करके भी ये वाले बीच में आपको फाइलिंग कर सकते हो। या फिर दूसरा जो आपको ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाफ राउंड या फिर राउंड फाइल के सहायता से भी ये वाले शेप आप बना सकते हो। तो उसके बाद आपका क्या होता है कि जो आपको डायमेंशन में बनाना होता है, क्योंकि आपका पूरा मार्क डायमेंशन के ऊपर दिया गया है, तो जो आपको सेकंड कट फाइल या फिर जो भी आपका इसमें आप तो फ्लैट फाइल की आवश्यकता नहीं है उसमें, इसलिए आप स्क्वायर फाइल और हाफ राउंड और राउंड फाइल के इसके हिसाब से फाइलिंग करते हुए डायमेंशन में पूरा जॉब को बना लेना है। डायमेंशन को बनाते समय वर्नियर कैलिपर का कंटिन्यू यूज करते हुए जॉब को चेक करते रहे कि आपका प्रॉपर डायमेंशन बना है या नहीं। तो इस तरह से आपका पूरा डायमेंशन में जॉब आपका बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका जॉब का सरफेस की क्लीनिंग, मतलब सरफेस फिनिशिंग। तो ध्यान रखें जब आपका रॉ मटेरियल मिला था आपका थिकनेस था 6 मिलीमीटर, आपको बनाना कितना 5 मिलीमीटर फाइनल थिकनेस था। तो सबसे पहले दोनों सरफेस को आपको बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके एक्स्ट्रा का मटेरियल निकाल देना है। उसके बाद स्मूथ फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके पूरे जॉब को फिनिशिंग कर लेना है फाइनल, और पूरा डायमेंशन को एक बार चेक कर लेना और थिकनेस भी यहाँ पर चेक कर लेना कि प्रॉपर आपका पूरा डायमेंशन बना है या नहीं। तो यहाँ पर आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप जॉब आपका बन जाता है, जो हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग से लेकर कटिंग फाइलिंग पूरा डिटेल में जानकारी दे दिया है, और यहाँ पर आपका जॉब पूरा टोटल कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि यहाँ इसमें ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है, तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और हम इसी तरह के आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो को
वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।